और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, आरआईएल को बड़ा झटका लगा है। रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल सेबी ने 13 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिलायंस को अब 45 दिनों में 447 करोड़ रुपए और ब्याज भी चुकाने का आदेश दिया गया है। तो इसी के तहत आरआईएल को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है और बाकायदा सेबी ने इन 13 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसके तहत अब रिलायंस को 45 दिनों में 447 करोड़ रुपए और साथ ही ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया गया है। तो 13 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस सेबी की तरफ से गया है। इसमें तमाम जानकारी मांगी गई है और रिलायंस को 45 दिनों में 447 करोड़ रुपए और ब्याज चुकाने का आदेश दिया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में ही कारण बताओ नोटिस सेबी की तरफ से जारी किया गया है आरआईएल को, जिसके तहत 13 कंपनियों को यह नोटिस भेजा गया है और जुर्माने के तौर पर रिलायंस को 45 दिनों में 447 करोड़ रुपए और ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया गया है। तो रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें अब 447 करोड़ रुपए 45 दिनों में रिलायंस को और ब्याज चुकाने का आदेश भी दिया गया है। जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिहिर, आरआईएल के लिए कितना बड़ा सेटबैक है और इस पूरे मामले के बारे में इनफैक्ट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये डेफिनेटली सेटबैक तो है आरआईएल के लिए, बिकॉज इस मामले में आरआईएल की ये जो सुनवाई थी काफी समय से पेंडिंग थी। हालांकि रिलायंस ने खुद भी ये पेशकश सेबी के सामने कई बार रखी थी कि वो वन ऑफ जो पेनल्टी है वो चार्ज करके रिलायंस से इसके अगेंस्ट में केस को खारिज कर दे, लेकिन ये तभी नहीं हो पाया था। लेकिन इसमें जो इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि क्योंकि रिलायंस के जो एफएनओ ट्रेड है, हालांकि अब ये बड़ी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है तो इसमें और हमें निकालनी होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक देर आर एफएनओ कर्व्स। इसका सीधा मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव्स में अगले एक साल तक रिलायंस में कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर वाकई डेरिवेटिव्स में रिलायंस पे ट्रेड नहीं होना है तो, बिकॉज देखिए, रिलायंस एक तो इंडेक्स का हिस्सा है, दूसरा उसकी इंडेक्स में वेटेज अच्छी खासी है, तो अगर और उसमें बहुत सारी आउटस्टैंडिंग पोजिशन हर महीने होती है, तो अगर वहां पर डेरिवेटिव्स ट्रेड पर बैन लगेगा तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी आएगा और रिलायंस पर भी देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पेनल्टी भले ही 447 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये 447 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो ये जो केस है, दिस केस इटसेल्फ इज मोर देन 8 years ओल्ड, तो वो हर साल उस पर ब्याज के हिसाब से जो एक्चुअल आउटगो होगा रिलायंस का पेनल्टी वगैरह मिला के, वो एक बार देखना होगा। लेकिन ये 1200 से 1400 करोड़ के बीच हो सकता है, तो वो भी हालांकि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए 1200-1400 करोड़ ऐसी रकम नहीं है कि जिससे कंपनी क्राइसिस में आ जाए, लेकिन ये डेफिनेटली मार्केट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और अगर एफएनओ में कब लगना है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन इस पर अभी और जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो तरीके का कब हो सकता है। एक ये हो सकता है कि रिलायंस अपनी ट्रेजरी के थ्रू डेरिवेटिव्स में कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता है, एक ये हो सकता है बैन। दूसरा ये भी हो सकता है कि रिलायंस के ऊपर डेरिवेटिव में कोई ट्रेड नहीं हो सकता। राइट, मेन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सेबी की तरफ से 13 कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो क्या अब आरआईएल के पास कोई लीगल इसके लिए आगे वे आउट हो सकता है इस मामले में? नहीं, देखिए, आमतौर पर सेबी में अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर आता है तो आप उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पे अपील कर सकते हैं, यानी कि सैट में। लेकिन अब ये हमें देखना होगा कि क्या रिलायंस वाकई ये अपील करना चाहेगा, क्योंकि फाइन भर के जो केस है उसे सेटल कर देने की पेशकश तो रिलायंस खुद पहले जब यूके सिन्हा सेबी चीफ थे तब 3 से 4 बार कर चुका था, और उस समय जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया गया था वो यही किया गया था कि अगर सेबी मान जाता है रिलायंस के प्रस्ताव को तो रिलायंस को करीब 1200 करोड़ का जुर्माना चुकाकर इस केस से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ये तब की बात थी और उसमें कहीं पर भी ये पेशकश नहीं थी कि डेरिवेटिव्स में रिलायंस के ट्रेड पर बैन लगेगा।
एब्सोल्युटली अमीर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रजेश मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देने के लिए। ब्रजेश, ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है सेबी की तरफ से आरआईएल को, इस पर और क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है इसमें? जी बिल्कुल, आरआईएल ने ये माना है कि जो सेबी ने ये माना है कि जो आरआईएल की ये जो कंपनियां थी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके अलावा जो ग्रुप की बाकी 12 और एंटिटीज हैं जिन्होंने आरपीएल के शेयरों में ट्रेडिंग की थी, उनको प्रति शेयर 60.28 रुपए का मुनाफा हुआ है और इस आधार पर ये कैलकुलेशन की गई है और 7.42 करोड़ जो शेयर थे उनके हिसाब से ये अमाउंट निकाला गया है, 447 करोड़ और 27 लाख रुपए। इस अमाउंट को 29 नवंबर 2007 के बाद से, यानी ये जो 447.27 करोड़ रुपए है, इस रकम पर 29 नवंबर 2007 यानी जिस डेट में ये ट्रांजेक्शन हुआ था उस डेट पे 12% की दर से ब्याज अदा करना पड़ेगा। यानी आप ये समझिए कि 2007 से लेकर और ये 2017 चल रहा है, करीब करीब सात साल का इस रकम पर 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा, जो एक काफी बड़ी अमाउंट बैठेगी। और इससे भी ज्यादा ये कि आरआईएल की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि उनका नाम इसमें आया है और इस तरह के ट्रेडिंग में आया है, तो आरआईएल के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा और 45 दिनों के अंदर ये उनको अमाउंट जो है वो जमा कराना है सेबी को। हालांकि इस ये मामला काफी दिनों से लटका हुआ था क्योंकि सैट में गए थे, सैट ने सेबी को वापस कहा था कि आप इस पर फाइनल ऑर्डर पास कीजिए और उसके बाद फिर वो वहां पे एंटरटेन होगा। तो आरआईएल के पास अभी सैट में जाने का विकल्प है, लेकिन ये ऑर्डर निश्चित तौर पर आरआईएल की इमेज के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आरआईएल के किसी रिप्रेजेंटेटिव से आपकी कोई बात हुई है ब्रजेश इसके बारे में? जी बिल्कुल, जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो वे कहते हैं कि ऑर्डर काफी लंबा चौड़ा है, करीब 54 पेजेस का है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम अपनी लीगल टीम से बात करेंगे और फिर हम इस पर कोई फाइनल कमेंट दे पाएंगे, लेकिन ये तो निश्चित है कि मामला सेट में जाएगा ही। बट रिलायंस की तरफ से, आरएल की तरफ से केस कितना स्ट्रॉन्ग है जो आगे इसमें अपील करना चाहेंगे? देखिए ये तो क्या है कि जब आर्गुमेंट में चीजें जाती हैं उसके बाद फिर तय होता है कि आप जिसको वायोलेशन कह रहे हो वाकई में वायोलेशन है या नहीं है, या इंटेंट क्या था ये ट्रेड करने का, इन सब चीजों के आधार पर जो सैट है वो फैसला लेता है कि आखिर ये ट्रेड हुआ तो इसका मकसद क्या था और आईपीओ के आसपास ही इस तरह के ट्रेड क्यों हुई है, इसके पहले क्यों नहीं हुए, तो उसके पीछे वो अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उनका क्या मकसद था या वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों ये ट्रेड उस टाइम पे किया। तो ये तो कोर्ट ही तय करेगा, यानी सैट ही तय करेगा कि किसका है। जी, मीर भट्ट को मैं इस पूरे डिस्कशन में शामिल करना चाहूंगी, ब्रजेश से वो कुछ जानना चाहे। जी मीर, ब्रजेश, ये जो एसएनओ में कारोबार पर रोक है क्या उसे आप थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? ऑर्डर में सेबी के क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि डेरिवेटिव्स में रिलायंस पर कोई ट्रेड नहीं होगा एक साल तक? जी बिल्कुल, रिलायंस जो है वो खुद और उसकी जो बाकी 12 ये सब्सिडरीज हैं जो आरपीएल के एफएनओ ट्रेड में इन्वॉल्व थी, ये 13 एंटिटीज जो है इंक्लूडिंग आरआईएल, ये जो है इक्विटी डेरिवेटिव में एफएनओ में एक साल के लिए काम नहीं कर पाएंगी, ये जो है ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब है। यानी आरआईएल अपनी सब्सिडरीज के जरिए जो भी अपने स्टॉक्स का किसी और स्टॉक्स का या जो भी ये ट्रेडिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग करना होगा इनको, वो ट्रेडिंग जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगा इसमें ये है कि आरआईएल का जो अपनी बुक्स के पर जो कुछ वो कामकाज कर रहे होंगे मार्केट में उस पर शायद दिक्कत होगी थोड़ी इनको। All right. लेकिन ये निश्चित तौर पर आरआईएल के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जी ब्रजेश, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा पेनल्टी देनी पड़ सकती है रिलायंस को इस पूरे मामले में, क्या लग रहा है कुछ लीगल कंसल्टेंट से आपकी बात हुई, कितना लंबा ये मामला खिंच सकता है बिफोर इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी सीरियस है, 7-8 साल पुराना मामला है? बिल्कुल, देखिए मामला एक्चुअली अब मैं कहूंगा कि मामला शायद ज्यादा शॉर्ट में निपट जाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये मामला काफी दिनों से चल रहा था। आरआईएल का आईपीओ आया था उसके बाद 2008-09 के आसपास ये मामला उठा था जो काफी चर्चा में आया था कि आरआईएल ने ट्रेडिंग की है और उसके बाद सेबी ने नोटिस इशू किया था, तो मामला तब से अटका हुआ था क्योंकि इंटरिम ऑर्डर था। अब इंटरिम ऑर्डर जो होता है उसमें काफी लंबा उसको बीच में उसकी पर्सिंग होती है नहीं होती है, लेकिन चूंकि फाइनल ऑर्डर है और सैट ने कहा था कि फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद आप आइएगा वापस अपील कीजिएगा, आरआईएल को कहा था, तो अब ये मामला मेरे हिसाब से अब बहुत लंबा नहीं खींचेगा। सैट जो भी ऑर्डर करेगा
वो अगर आरआईएल को मंजूर होगा या सेबी को मंजूर होगा तो वो जाएंगे, नहीं तो फिर उसके आगे कोर्ट में जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो 8 साल पीछे बीते हैं उसके मुकाबले यहाँ पे अब आगे कम समय लगेगा। ऑल राइट, इनफैक्ट मिहिर, अब जब मंडे को मार्केट खुलेंगे कैसा इम्पैक्ट देखा जा सकता है इसका? नहीं देखिए, सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इसका एक मेजर रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम प्राइमा फेसी इस समय जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर देखें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि रिलायंस के ऊपर 447 करोड़ का जुर्माना लगा है, उन्हें इस पर 7-8 साल का जो ब्याज देना है वो देना पड़ेगा, जिसके लिए रिलायंस पहले भी तैयार था। जैसे मैंने कहा कि रिलायंस ने खुद ये पेशकश की थी सेबी के सामने, जिसमें देखिए वो रिलायंस ने जो पेशकश की थी उसमें ये होता है कि सेबी जो जाँच कर रही होती है उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, केस को वहीं पर रोक दिया जाता है, लेकिन कंपनी से जो भी जुर्माना वसूलना होता है वो सेबी वसूल लेती है। तो रिलायंस खुद ही इसकी पेशकश पहले कर चुका था सेबी के सामने, और रिलायंस सेबी ने 2 से 3 बार ये एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप सोचिए कि एक मामला जो कि पिछले 8-9 साल से अदालत में चल रहा, सेबी की जाँच के दायरे में था और चल रहा था, फाइनली अब वो खत्म हो गया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा बुरी खबर नहीं है रिलायंस के लिए। जो बिगर कंसर्न है वो ये है कि ये जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड पर बैन है, अगर ये रिलायंस पर एज एन एंटिटी इफ रिलायंस इज बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डेरिवेटिव्स ट्रेड तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर रिलायंस के ऊपर डेरिवेटिव्स में बैन लगाए तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस के स्टॉक पर आप या कुछ भी इन्वेस्टर डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पर, और अब तक जो ब्रिजेश ने बताया उसके आधार पर यही माना जा सकता है कि रिलायंस खुद या फिर रिलायंस अपनी किसी ट्रेजरी ऑपरेशंस में डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो वो जो चीज है उसका इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, इट विल बी अ लिमिटेड इम्पैक्ट। ऑल राइट, इनफैक्ट ब्रिजेश, आपसे इस पूरे केस में समझना चाहेंगे, सेबी ने ये कारण बताओ नोटिस भेजा, अपने फाइंडिंग्स में उन्होंने क्या क्या पाया है थ्रू आउट दीज ईयर्स, क्या क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं इस केस में? जी, बड़ा डेवलपमेंट यह था कि मामला जब पहली बार सामने आया था और रेगुलेटर के पास शिकायत पहुंची थी तो सबसे पहला उन्होंने सेबी को नोटिस इश्यू किया था, और उसके बाद से सेबी से उन्होंने जवाब लिए और सेबी ने अपने तर्क रखे कि क्या था उनका मामला, उन्होंने ट्रेडिंग क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कितना ओपन पोजिशन था, क्या था। उसके बाद फिर सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, तो इंटरिम ऑर्डर पास करने के बाद फिर ये काफी बीच में मामला लटकता रहा दोनों तरफ से। एक तरफ से आरआईएल ने सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मामला सीरियस था इसलिए ये मामला कंसेंट मैकेनिज्म के थ्रू पास, कंसेंट मैकेनिज्म जो है सेबी का, यानी जिसके तहत सेबी ये करती है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आप एक पेनल्टी पे कीजिए, और ना हम मानेंगे कि आपने गलती की है और ना आपको गलती ना मानने की छूट होती है, और एक कहेंगे कि पेनल्टी देकर या फाइन देकर या पैसे देकर आप बच निकलते हैं। लेकिन चूंकि एक सीरियस वायलेशन का मामला था उसके बाद, इसलिए सेबी को ये रास्ता नहीं मिला। सेबी के जो नियम कहते थे वो ये थे कि आपने जितना भी अनलॉफुल गेन किया है, यानी आपने जितना भी मुनाफा गलत तरह से कमाया है, उसके 3 गुने तक पेनल्टी की रकम बनती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो वाला एक तरीके से अगर वो अमाउंट नहीं आएगा, यानी 513 करोड़ का अमाउंट बन रहा था उस हिसाब से, तो 513 इंटू 3 टाइम्स करेंगे तो करीब 1500 करोड़ के आसपास का आ रहा था अमाउंट, वो अमाउंट जो पहले चर्चा में था। लेकिन अगर आप जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरे खबर पर अपडेट के लिए आपका। इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह है। गौरांग, आपका इनिशियल रिएक्शन इसमें, सेबी ने गैर कानूनी पाया है आरआईएल के को, उस पर माफ कीजिए रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को नोटिस सेबी की तरफ से गया है, योर इनिशियल रिएक्शन? गौरांग आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका इनिशियल रिएक्शन सेबी की तरफ से नोटिस गया रिलायंस की 13 कंपनियों को? मेरे ख्याल से ये 2007 का मामला है और हम 2017 में हैं, तो काफी लंबा समय बीत चुका है, और 512 करोड़ का कुछ आंकड़ा मेरे जहन में है, 512 या 513 करोड़ का जो अनलॉफुल तरीके से इनको गेन मिला था, और अब 2007 से मेरे, हाँ जी मिहिर, देखिए ये आपने सही कहा कि ये जो रिलायंस पेट्रोलियम में इनसाइडर ट्रेडिंग केस जो था उसी में ये फैसला सुनाया गया है। इसमें जो पेनल्टी लगी है रिलायंस पर वो एक्चुअली लगी है 447 करोड़ की, लेकिन उस पर 2007 के नवंबर से लेकर अभी तक का 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, विच विल स्टिल नॉट बी अ हाईली इम्पैक्टफुल अमाउंट फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस। जो बिगर कंसर्न है गौरांग यहाँ पर वो ये है कि ऑर्डर में ये भी कहा गया है दैट रिलायंस विल बी बार्ड फ्रॉम डेरिवेटिव्स एफएनओ ट्रेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर,
इसके दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं. वन, रिलायंस कैन नॉट ऑपरेट इन एफएनओ और डेरिवेटिव्स मार्केट थ्रू द ट्रेजरी, एंड सेकंड टू बी रिलायंस इटसेल्फ विल नॉट बी ट्रेडेड इन एफएनओ. इन दोनों सूरत में आप इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? जी, एक नेगेटिव रिएक्शन मेर कल सुबह अगले हफ्ते जब हम सोमवार को लौट करके आएंगे देखने बिल्कुल मिलेगा. लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था आपके सहयोगी से कि 10 साल लग गए इस पर्टिकुलर मैटर को सुलझाने के लिए, जो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा समय लग गया है, पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको याद है मीर, तो 4-5 दिनों पहले आई थिंक देर वर लॉट ऑफ यू नो ट्रांजेक्शन जहाँ पर शेयर्स ने अदला बदली हाथ किए थे बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड होल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसको लेकर के कोशिश भी की थी उसे अनक्लटर किया जाए. हाँ, तो आई फील दैट समवेयर समथिंग हैज बीन मिसिंग. बट लाइक जैसा सही जिक्र किया कि रिलायंस जैसी कंपनी को लेकर के अगर आप 12% का ब्याज भी पकड़ते हैं 2007 से, तो इतना कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एक इमेज को लेकर के डेफिनेटली थोड़ी कंसर्न हुई है, एंड आई होप दैट ऐसी बड़ी कंपनी आगे जा करके ऐसे कदम ना ले जिसके कारण ये सेबी के दायरे में आ जाए. राइट, एंड एज मीर वॉज ऑल्सो सेइंग, गौरांग, वॉज मार्केट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट? क्योंकि जब मार्केट खुलेंगे वो कैसा सेंटिमेंट शो कर सकते हैं? वेल, एक देखिए 2007 का मामला था, निर्णायक तरीके से अच्छा है कि आज इसका जो भी आउटकम था वो आना आ चुका है. लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इलीगल माइग्रेशन गैस को लेकर भी 10,000 करोड़ का कुछ पेनल्टी रिलायंस के साथ कुछ मतभेद है मेरे ख्याल से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है. वो भी आने वाले समय में मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा. तो इसको लेकर के जैसे मैं जिक्र करा था कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और बाजार को पता था ये चीज के बारे में. अनफॉर्चुनेटली कब ये निर्णायक तरीके से खत्म होगा ये पता नहीं था. तो मैं मानता हूँ कि इसे देखने का दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है गौरांग, कि देखिए मार्केट इसके लिए प्रिपेयर तो था क्योंकि 1200-1500 करोड़ के फाइन की बात तो पहले से चली रही थी जब सेबी ने कंसेंट मैकेनिज्म के तहत छूट मांगी थी इस केस से. तो आई थिंक मार्केट वॉज प्रिपेयर फॉर दैट. और जैसे आपने सही कहा कि 447 करोड़, उसके ऊपर 10 साल की पेनल्टी भी अगर आप गिन लेते हैं तो भी वो रकम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बिकॉज जो पेनल्टी लगाई जा रही है इंटरेस्ट इज 12% पर एनम 10 साल के हिसाब से. लेकिन ये देखना होगा कि जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड है, बिकॉज वो ऑर्डर में थोड़ा वेग है. ऑर्डर में ये कहा गया है कि RIL barred फ्रॉम डेरिवेटिव्स ट्रेड इन FNO फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, यानी रिलायंस खुद या फिर अपनी किसी कंपनी के थ्रू डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा खुद के स्टॉक में. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लेकिन क्या रिलायंस FNO में बैन हो जाएगा? तो आई डोंट थिंक मार्केट वॉज प्रिपेयर फॉर दैट. लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर यही लग रहा है कि रिलायंस को बार किया गया है कि ये खुद अपने स्टॉक में किसी भी कंपनी के थ्रू ट्रेड ना करे. तो फिर इन दैट केस, बिकॉज रिलायंस ऑलरेडी इतना चल चुका है, तो गौरांग क्या हम ये माने कि एक नीजक रिएक्शन में 5-7% का ड्रॉप हो सकता है रिलायंस पर? डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रतिशत के हिसाब से कितना होगा मीर, क्योंकि फ्लैशेज है अभी हमारे पास. डिटेल में पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है. मैं अभी अभी ये खबर आई है तो वो देख करके मैं मेरे समझ के हिसाब से कुछ आकलन लगा रहा हूँ. लेकिन स्पष्टीकरण जरूरी होगा इन बिटवीन द लाइंस, क्या फाइन प्रिंट है और वाकई में किस तरह की कार्रवाई की गई है. क्या रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसको लेकर के कुछ है प्रॉब्लम, या फिर जो कंपनियां अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है? बट एक नीचे रिएक्शन आ सकता है, रिमेंस टू बी सीन. क्योंकि काफी कुछ अपग्रेड भी आए थे मीर, आपको याद हो तो रिलायंस जियो को कमर्शियलाइजेशन लेकर के काफी बड़े बड़े टारगेट बड़े ब्रोकराजेस लेकर के आए थे. अब इस खबर को लेकर के देखना यह जरूरी होगा कि निचले स्तर पर बाइंग आती है कि नहीं, उन टारगेट्स को ध्यान में रखते. एंड गौरांग, वेरी क्विकली, अब क्योंकि एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी देखा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी खबर RIL को लेकर आ रही है, इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे क्या करना चाहिए? वेल, इट्स डिफिकल्ट, यू नो, इन्वेस्टर्स देखिए जिस तरीके का खर्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है कैपेसिटी एक्सपेंशन में, चाहे वो पेटकेम हो या फिर रिफाइनिंग हो या फिर मच अहेड ऑफ डेट एक्सपेक्टेशन रिलायंस जियो का कमर्शियलाइजेशन करना, इस सब को लेकर के आने वाले समय में आमदनी पे अच्छा असर आ सकता है. लेकिन उसके लिए समय लगेगा फैक्टर इन करने के लिए कि किस तरीके की कैपेक्स अंदर ली थी और किस तरीके की कमर्शियलाइजेशन हुई है. तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक नीजक रिएक्शन आप देख सकते हैं. जैसे मैं मीर को मेर से पहले भी बात कर चुका हूँ, और हमने डिस्क्लोजर ये भी है कि हमने 1000 के करीब एक बाय रिकमेंडेशन हमारी बनाए रखी थी हमने, और लक्ष्य 1080-1100 के आसपास का था अगर मेरा याददाश्त सही है. तो अब वो लक्ष्य सब आ चुके हैं, तो हम रिवाइज रिकमेंडेशन तब निकालेंगे जब नतीजे आएंगे और एक पॉजिटिव रुझान हमें देखने मिलेगा.
शॉर्ट टू मीडियम टर्म मंडे भी बैड डे, शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है इस खबर को लेकर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गौरांग शाह और मिहिर भट्ट हमसे बातचीत करने के लिए इस बहुत बड़ी खबर पर। तो RIL को बहुत बड़ा झटका लगा है। रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को नोटिस गया है सेबी ने। इन 13 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और रिलायंस को 45 दिनों में 447 करोड़ रुपए और ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। और क्या मार्केट में इसका रिएक्शन होता है, इस पर लगातार जी बिजनेस में हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे, क्योंकि उससे भी बड़ी बात यह है कि ये दरअसल मामला काफी ज्यादा पुराना है, इनसाइडर ट्रेडिंग का यह मामला है और रिलायंस बतौर कंपनी एक साल के लिए FNO में कारोबार भी नहीं कर पाएगी। RIL ने गैर कानूनी तरीके से 513 करोड़ रुपए कमाए हैं, ऐसा सेबी ने कहा है। तो रिलायंस पेट्रोलियम केस में 13 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। मार्केट पर इसका कैसा इंपैक्ट होगा, मंडे को जब बाजार खुलेंगे, इस पर आप इसका सबसे पहला अपडेट जी बिजनेस पर देख पाएंगे।